हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर 11 से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुएशन पार्ट टू। पार्ट वन जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो एएमयू से रिलेटेड है और ये क्लास नाइन्थ के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एएमयू का जामिया BHU केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपके आपका आर्मी स्कूल हो गया, नवोदय है, इन सब के लिए जो भी स्टूडेंट्स एक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो क्लास एट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास एट का ही ये चैप्टर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7। तो क्लोज्ड है, सिलिंड्रिकल टैंक है एक हमारा, वो क्लोज्ड है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल टैंक है। अब ये सिलिंड्रिकल टैंक जो है वो क्लोज है, ठीक है, ऊपर और बॉटम मतलब टॉप और बॉटम पे क्लोज है। एंड द हाइट कितनी है इसकी, हाइट जो इसकी है वो आपकी जो है वो 3 मीटर है और रेडियस इसकी जो है वो कितनी है, 7 मीटर। तो आपको क्या बताना है, शीट ऑफ द मेटल से बना है, द शीट रिक्वायर्ड, आपको बताना है कि इसकी इसमें हमें कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बना होगा पूरा मटेरियल, तो ये क्या निकलवा रहा है हमसे, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH प्लस टॉप और बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, 2πR2। तो इसको आप जो डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको जो है वो आप या तो आप फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फॉर्मूला को याद करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है वो 2πR जो है वो इस तरह से लिखना है आपको, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया प्लस टॉप और बॉटम हो गया। तो यहाँ से 2πR आप कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू हो जाएगी एच प्लस आर। अब आपको यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है और आर की वैल्यू कितनी, 7 दी है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे और 22/7 रखेंगे पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 है, एच प्लस आर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 44 × 10, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 440 मीटर स्क्वायर। मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि ये एरिया है, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द रोम्बस कितना है, 120 cm² एरिया है और किसका, रोम्बस का। एंड वन ऑफ इट्स डायगनल क्या है, 24 cm। देन द ईच साइड आपको बताना है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस, देखिए रोम्बस का आपको डायग्राम आना चाहिए। रोम्बस में ही होता है कि उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा डायगनल हो गया और ये हमारी डायगनल हो गया। अब इस ये जो डायगनल होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, 90 डिग्री पर कट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इस तरह से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये ओ पे कट कर रही है यहाँ पर। अब देखिए एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारा होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है, ये एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 120 और इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 × D1 × D2। तो एक डायगनल दिया है, दूसरा डायगनल हम निकाल लेंगे तो दूसरा डायगनल हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एक दिया 24 तो 1/2 × 24 × D2 मान लेते हैं, हमें निकालना है और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपका क्या D2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से ये 12 और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है वो दूसरा वाला डायगनल हो जाएगा। एक जो डायगनल है वो हमारा कितना है यहाँ पर, फर्स्ट डायगनल कितना है, 24। तो 24 इसको मान लेते हैं कि 24 ये वाला है, तो दूसरा कौन सा आ गया हमारा, दूसरा हमारा जो आ गया वो 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है साइड ऑफ द रोम्बस। तो साइड ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगी, देखिए ये और इसको आप कंसंट्रेट फोकस करें तो ये 90 डिग्री है, ये आपका टोटल 24 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12। मैंने अभी बताया था आपको कि डायगनल्स ऑफ द रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस निकालना है, तो ये हाइपोटेनियस है ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 12² + 5² 12² + 5² 144 + 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, 169, देन ए बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से साइड ऑफ द रोम्बस कितनी जाएगी, 13 सेंटीमीटर, और यही जो होंगी वो बाकी साइड जो होंगी ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस की होती हैं, सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर,
तो रेडियाई का सिलेंडर की जो रेडियाई है, जो उसकी रेडियस है, उसका रेशियो 2:3 दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट मीन्स, हम मान लेते हैं कि H1 H2 दोनों हाइट हैं, उनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:3/4। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स V1 अपॉन V2 निकालना है। आपको पता है कि पाई R1 स्क्वायर H1, फर्स्ट हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है, एंड सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, बट रेडियस जो है वो दोनों की चेंज है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर H1 डिवाइड बाई H2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, R1 डिवाइड बाई R2 कितना है, 2/3 का होल स्क्वायर H1 डिवाइड बाई H2 कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4/9 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कटेगा, ये 3 ज़्यादा आएगा, तो 1/3। तो यहाँ पर वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा V1/V2 1:1 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ अ साइड ए। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूब है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है, टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो बाकी जो एरिया होगा, बाकी साइड्स का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डायग्राम है, देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाली साइड होगी आपकी, ये फ्रंट वाली साइड, ठीक है, फ्रंट वाली साइड होगी आपकी टू, मतलब आपको टॉप और बॉटम आपको नहीं चाहिए, तो और ये वाली साइड होगी आपकी, ये वाली साइड ओके, और ये बैक वाली साइड, बैक वाली पूरी। तो ये जो साइड हो गई, ये जो लेटरल सरफेस एरिया वो हमें बताना है। तो एक साइड का जो एरिया हो जाएगा, क्योंकि साइड दोनों की इक्वल है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही सामने वाले का भी ए स्क्वायर होगा, आपका जो बैकवर्ड वाला है उसका भी, बैक साइड में उसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल लेटर मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a² तो उसका आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 10 cm and 12 cm, देन द एरिया बताना है। तो ये रोम्बस का जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रोम्बस का एरिया हो जाएगा, रोम्बस एरिया इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डायगोनल्स हम निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 1/2 × 10 × 12, तो इसको डिवाइड करें, ये 5 टर्म्स आएगा, 12 × 5 कितना, 60 cm², तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है, 3.5। रेडियस कितनी है यहाँ पर, रेडियस जो है 3.5 को हम 7/2 cm लिख सकते हैं, ये जो है क्या है, 7/2, तो ये काटने के लिए लिखा है मैंने, थोड़ा आसान हो जाएगा। और एच हमारी कितनी थी, 14 cm, देन वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, देखिए किसका पूछ रहे हैं, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7/2 का होल स्क्वायर, एंड द रेडियस इज इक्वल टू, हाइट जो है वो 14 है, तो ये 2 टाइम्स आएगा। इसको दोबारा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 × 7/2 आपका 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 11/2 अगर आपका कट जाएगा तो आपका, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ गलती हुई है, एंड इट्स वॉल्यूम बताना है पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम बताना है पाई आर स्क्वायर एच होगा, और ये जो है वो 7 से कट गया, तो 7 से हाँ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी 2 वैल्यू जो है वो बाकी है, तो ये आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7, 7, 49, 11, तो ये आपका आ जाएगा 539, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस कितनी है, कोई सिलेंडर है हमारे पास और उसकी जो रेडियस दी है वो कितनी है, यहाँ पर 7 cm है, 7 cm, देन द टोटल सरफेस एरिया गिवन है, हाइट आपको निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए की वैल्यू कितनी, 968। तो यहाँ से फॉर्मूला लिख लें आप टी एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2πRH + 2πR², कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया,
टू पाई आर मैं कॉमन ले लूँगा, एच प्लस आर मेरा जो है वो कॉमन बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं टोटल टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, 968 दिया है। तो यहाँ से 2πr देखिए वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, 2 × 22 डिवाइड बाई 7, क्योंकि मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और मुझे निकालना क्या है, r तो मुझे गिवन है 7 दिया है, और यहाँ से h के निकालना है मुझे, h प्लस 7 इज इक्वल टू आपको कितना 968। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो h प्लस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 968 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 2 × 22, तो 11 से आप कट कर देंगे, तो 11 8 जाए 88, 11 2 जाए तो 4 होगा, 4 से कटेंगे तो ये 22 हो जाएगा, लेकिन 22 इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना, गलती मत कर दें, 22 ए ही ऑप्शन दिया है यहाँ पर, आप गलती कर दोगे तो हमें चाहिए एच की वैल्यू। तो 22 माइनस आप क्या करेंगे 7 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 20 का जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30। तो 30 क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर के बीच में जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, इट मीन दैट आर इज इक्वल टू 2/3h, एंड अब कह रहे हैं इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम जो दिया है वो इतना दिया है, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा होगा, देख किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी है 22/7, आर जो है वो हमें नहीं दिया है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना दे अंदर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh, तो h को कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, तो h प्लस आर जो है वो बचेगा अंदर, हमें h और r की वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ क्या करें, r की जगह हम वैल्यू रख देते हैं ये वाली, r की जगह क्या हो जाएगा 2/3 h का होल स्क्वायर और इंटू h, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 12, कितनी है वैल्यू 12936। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एच क्यूब इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12936 × 7 × 9 डिवाइड बाई आप करेंगे तो हो जाएगा 22 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए अब यहाँ कुछ गलती तो नहीं है, चेक कर लेना आप। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 × 3 × 4 ये हो जाएगा आपका, 11 से अभी मत करिए, 2 से करिए इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 × 2 × 6 × 2 × 2 × 7 आपका हो जाएगा 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 × 11 आपका 5 × 51 = 44 और 77 आपका हो रहा है, देखिए ये आपका कितना 147, तो ये आप कट कर देंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 1 × 7 × 7 × 9। ठीक है, 9 का मतलब 3² हो जाएगा, 3² ये हो जाएगा 3 × 7 × 7, तो ये आपका होगा 7³, और ये 3 और ये 3² मिलकर 3² हो जाएगा, तो 3 × 3³ × 7³, तो यहाँ से हमें एच क्यू की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 7 × 7 कितना 21, एच 21 आ गया, तो हमारा कितना आ जाएगा एच, तो आर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 × 21, तो ये कट जाएगा 7, तो ये आएगा 7 × 14 जो हमारा हो जाएगा वो आर की वैल्यू हो जाएगी, एच की जो वैल्यू है वो 21 है, आर की वैल्यू 14 है, तो आपको निकालना क्या है, ये निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है आप इसको पॉज करके लिख लेना, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मेरी एच वैल्यू क्या आई है, एच की 21, एच इज इक्वल टू 21 आ गया, और आर की वैल्यू क्या आ गई 14। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2πr हमने कॉमन ले लिया, h प्लस आर मेरा बचा यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 × 22 / 7 और r कितना है आपका 14 है। ठीक है, h प्लस आर निकालेंगे तो ये कितना 35 हो जाएगा, दोनों को ऐड करें आप, दोनों को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, यहाँ से देखें ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 और ये है 70, तो 44 × 70 ये आपका 028 और ये 30, तो इतना हो जाएगा 3080 cm², ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ स्क्वायर हुज डायगनल, स्क्वायर है जिसकी डायगनल क्या है 10, देखिए ये स्क्वायर है हमारा, इसकी डायगनल जो है हमें कितनी दी है, डायगनल जो दी है हमें 10 cm है, तो हैज़ एन एरिया इक्वल टू, एरिया निकालना है, मान लेते हैं इसका साइड कितना a, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, तो a² + a² =
टेन स्क्वायर का मतलब 100, तो 2a² की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो जाएगी, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि a की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी √50 आ गई। वैसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 50, जो भी दिया है यूनिट वो यूनिट लिख दो आप, स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज डायमीटर इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है, कुछ सिलेंडर है हमारा और इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है वो हमें देखना है। देखिए ये सिलेंडर है और कह रहे हैं कि उसका वॉल्यूम हुज डायमीटर, तो डायमीटर इसकी जो है वो डी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू एच दी है। तो यहाँ से 2r की वैल्यू क्या दी है, एच दी है, तो r के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, एच डिवाइड बाई 2 लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई आर की जगह क्या रख देंगे, एच डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एच, तो ये आ जाएगा हमारा पाई एच क्यूब डिवाइड बाई 4। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बी इज अ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है इस तरह से, है ना, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है 11 and 4 cm, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे यहाँ से मोड़ रहे हैं, इस तरह से मोड़ के क्या बना दे रहे हैं, एक सिलेंडर बना दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2πr की वैल्यू 11 है, 2πr इज इक्वल टू 11, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 डिवाइड बाई 2, 22 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 7, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड बाई 4 होगी। तो यहाँ से और हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमारा एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर कितना हो जाएगा आपका, आर जो है 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर हो गया, और एच कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड 7 से 7 भी चला जाएगा, तो 7 से 7 गया, तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बता 2 और आपके पास ये 11 77 डिवाइड बाई 2, तो 38.5 cm² इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर कंटेनर ऑफ हाइट 42 cm इतने सेंटीमीटर, देखिए इस इतने सेंटीमीटर, तो रेडियस है, एक कंटेनर है, देखिए सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट जो है वो आपको बतानी है, हाइट देखिए, हाइट गिवन है, कंटेनर ऑफ हाइट 42 cm, इसकी जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, इसकी रेडियस 7 दी है, 7 cm। इफ द कंटेनर इज कन्वर्टेड इनटू कोन शेप्ड, अगर इस कंटेनर को हमने कोन शेप्ड में कन्वर्ट कर दिया और हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी 14 cm है, तो आपको बताना है इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस इसकी क्या होगी। ये चीज़ आप बताना बहुत आसान है, देखिए दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्योंकि सेम चीज़ हमने बनाया, वो सिलेंडर हमने बनाया और वॉल्यूम उसका कॉन्स्टेंट है, कन्वर्जन वाला ये फॉर्मूला लग रहेगा यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा, 1/3 पाई, इसका आर मान लेते हैं और इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, ये तो कैपिटल स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान लो आप एच, इसका स्मॉल एच मान लो, इसका कैपिटल एच मान लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस बिल भी, है ना, तो रेडियस चाहिए, तो आर स्क्वायर एच हमको दिया है, एच कितना दिया है, एच फोर इसका कितना दिया, स्मॉलर वाले का 14 दिया है, 14 cm इंटू 14 और इक्वल टू 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच, आर कितना 7 स्क्वायर का मतलब 7, एच कितना दिया 42, तो यहाँ से कट जाएगा ये 7, 2 से काटेंगे तो 21 ये हो जाएगा 21 का आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 21 cm का आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बताना है आपको, कोई भी सिलेंडर है आपका और उसका लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो आपका, जैसे मान लो कि ये बोतल है, ये हमारी जो है सिलेंडर है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं इसको पकड़ूँ तो ये वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है।
अगर मैं उसमें ना जाके अगर मैं इस बॉक्स में अगर जाता हूँ तो इसमें अगर आप देखें तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारा साइड वाला जो होता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसकी जो रेडियस दी है वो इतनी दी है एंड द हाइट इज 7, हाइट 7 है, रेडियस कितनी दी है 3.5, तो मैं इसको 7/2 लिख लूंगा। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है ओनली 2 π r h, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, LS बोलते हैं इसको। 2 और 22/7 और इंटू आपका आर कितना है, आर आपका 7/2 और इंटू एस मतलब 7 हो जाएगा, 7 से 7, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 154 cm². तो इसका आंसर क्या है, V इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगनल की जो दी है वो रोम्बस की इतनी इतनी दी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि D1 की वैल्यू कितनी दी है 24 एंड D2 की वैल्यू कितनी दी है 32 रिस्पेक्टिव, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड बताना है। देखिए अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 24 है तो ये वैल्यू सिर्फ इतनी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर टोटल को अगर हम मान लेते हैं 32 है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये राइट एंगल होता है, तो ये हमें निकालना है। आपको पता है ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें एक 16 दिया है दूसरा 12 दिया है, आपको ये निकालना है। तो साइड ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा, रोम्बस पाइथागोरस लगा तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको याद करना है ये सारी वैल्यूज, स्क्वायर याद करना है। ये आपका कितना हो गया 400 हो गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इज अ करेक्ट आंसर, तो बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 देख लेते हैं। अशरफ इज यूजिंग द नॉन यूजिंग अ कोन शेप्ड कप टू फिल द सिलिंड्रिकल कंटेनर, तो द कप हैज बीन सेम हाइट एंड रेडियस, हाउ मेनी टाइम्स विल ही टू फिल द कोन शेप्ड कम्प्लीटली फिल द सिलेंडर, तो सिलेंडर से हमें इसको फिल करना है। देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 1/3 π r² h होता है। तो वॉल्यूम बात करें इसमें जो कैपेसिटी है वो 3 times ज़्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी 3 times, तो ये 3 कोन को फिल कर लेगा, ये इसका बहुत ही आसान सा आंसर है वॉल्यूम वाइज हम देख रहे हैं तब। देखिए नेक्स्ट देखें डायगनल्स जो दिए हैं वो आपको कितने दिए हैं 3, तो इसको ये हो जाएगा हमारी 3/2, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करो मैं सिर्फ इतना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हाफ करना है, पेरीमीटर आपको बताना है, तो उससे पहले सबसे पहले आप साइड निकाल लो, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड ऑफ आपका क्या हो जाएगा, साइड ऑफ रोम्बस आपका क्या है, देखें साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, आप क्या करेंगे देखो, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस आप बोल सकते हो 4/2 का होल स्क्वायर, तो ये नीचे 2 ही रहने दो, तो ये 2 का स्क्वायर रहेगा, नीचे बाहर आ जाएगा 3 3 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2, 5/2 हुई लेंथ ऑफ द साइड। नौ पेरीमीटर निकलवा रहे हैं, नौ पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × साइड, पेरीमीटर हो जाएगा 4 × a, तो ये हो जाएगा 4 से हम कट करेंगे तो ये वैल्यू 10 आ गई, तो 10 cm इसका आंसर होगा कि रोम्बस की जो पेरीमीटर है वो कितनी हो जाएगी 10 cm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीशा फाउंड द सिलेंडर ग्लास 4 inch इन डायमीटर एंड 6 inch इन हाइट, तो 4 inch डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 2 cm हो जाएगी। ठीक है, शी नीड्स टू कवर द साइड्स एंड द बॉटम, तो साइड्स को कवर करना है बॉटम कवर करना है, और कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर इंच जो है वो उसको जो है वो कपड़ा चाहिए। ठीक है, पेपर चाहिए। अब देखें बहुत आसान है इसका, इसका हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड कवर या रिक्वायर्ड एरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कट सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया, ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, 2 π r h प्लस π r² π r² तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई आर को हम ले लेंगे, 2 h प्लस आपका क्या बचेगा, यहाँ पर r बचेगा 2 h प्लस r, जब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 22/7 और ये आपका कितना हो गया, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, तो रेडियस 2 हो गई आपकी, यहाँ पर रेडियस 2 आ गई, 2 h प्लस r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 h की वैल्यू हो जाएगी 12, 12 प्लस 2
टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 जा, और ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 22, 88 स्क्वायर इंच, स्क्वायर इंचेस बोल सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ द पीस ऑफ एल्यूमिनियम आर, तो एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम है जो बहुत ही पतला सा है, इस तरह की उसकी डायमेंशन है, ठीक है, इस तरह की, इस तरह से, ठीक है। कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर, और उसकी जो है वो ब्रेथ कितनी है उसकी, 5 सेंटीमीटर, और हाइट उसकी ये वाली है, उसकी जो विड्थ है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल वी एच हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर, यहाँ पर आपका कितना, ये जो है वो 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहना है कि डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू आपका है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है, 13.5। सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको जो है वो वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमने कहा डेंस, वॉल्यूम तो हमारा गिवन है, कितना गिवन है, वॉल्यूम हमारा जो गिवन है वो 5, गिवन का मतलब हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 से करेंगे तो 2, और आपका हो जाएगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द इज अ पेरीमीटर ऑफ, तो सरकमफ्रेंस किस केस में लेते हैं, सर्कल के केस में लेते हैं। तो ये जो है सर्कल के केस में जो सरकमफ्रेंस है वही क्या होती है, सर्कल की पेरीमीटर होती है। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बताना है ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर के एरिया का आपको, देखिए दो एरिया है यहाँ पर, एक एरिया तो नॉर्मल एरिया है, एक एरिया वो एरिया है जो आप इसके उस पर बनाया गया है, इसके डायगनल पे बनाया गया है। तो डायगनल की साइड निकाल लो आप, इसका अगर एरिया ए मान लेते हैं तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रूट टू, तो डायगनल कितनी आ गई, ए रूट टू। तो यहाँ से रेशियो अगर हम निकालें, रेशियो हमारा हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए वन का स्क्वायर, और ए वन ये क्या है, ये हमारा ए वन की वैल्यू है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल हुज डायमीटर 40, तो सर्कमफ्रेंस निकालना, एक सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस निकालना है, डायमीटर कितनी दी है 14, ये कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो है वो रेडियस निकल जाएगी, रेडियस, तो रेडियस आपका कितना होगा, आपका डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, हमको निकलवा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस निकालना बहुत आसान है, तो सर्कमफ्रेंस हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, 2πr होता है, 2π की जगह 22 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये काट दो आप, 44 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो एक हमारा राइट सर्कुलर कोन है इस तरह का वो, और इसकी हाइट कितनी है, एच है, आपको एच ही निकालनी है, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, 1/3πr² एच, इसकी वैल्यू 48π है, 48π है, आपको निकालना है h, तो h की वैल्यू ऐसी रहने दो, 3 इंटू आपका कितना 48 हो जाएगा, r कितना है, r आपका 4 इंटू 4 है, तो 16 आपका कितना हो जाएगा, 3 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर क्या है, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये तो ये जो था वो हमारा सारी मतलब कंप्लीट था मेंसुरेशन का पार्ट, तो 2 पार्ट में था। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल है, जहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं मैंने, और वहाँ पर मैंने जो है वो यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ सी सेट कोर्स में अपना, सी सेट मतलब आईएएस रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको मैं यहाँ कवर कराता हूँ। और अगर आप जो है इस लिंक पर डायरेक्ट, या तो देखिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें या साइट पर चले जाएँ, तो वहाँ पर आप जो है मुझे इस स्पेलिंग के साथ सर्च कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल आएगी, और उसके बराबर जब प्रोफाइल आएगी तो यहाँ पर फॉलो कलर का बटन होगा, उसको आप जो है उस पर जाकर फॉलो ज़रूर करिएगा। यहाँ पर भी एक फॉलो कलर का बटन होगा जिससे कि आप उसको फॉलो कर सकें। मुझे फॉलो करने से फ़ायदा ये है, ये जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब इन अ यूट्यूब, इसी तरह का है।
तो ये मेरा रेफरल, अगर आप कोई भी जो है कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो उसके बाद उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखिए फॉलो मी अकेडमी ये लिखा है, तो यहाँ पर ये लास्ट वाली जो है वो आपको ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये सारी लिंक। तो ये जो हमारी लिंक है और इस पर जाके जो है वो आप जो है क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आप अन अकेडमी चले जाएँ, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप है, इन ग्रुप्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस स्कूल वाले पे कुछ कर लें, और ये टारगेट सी सेट नाम से, तो ये IAS के लिए है, ये आपके लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा UPSC अकेडमी नाम की जो चैनल है उसका हमारा इसका मतलब क्या बोलते हैं उसका टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियो अपलोड करते रहूँ, तो उसमें कमेंट करिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्या चीज़ में पसंद है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दे सकते हैं, यूर मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतिकम साइनिंग ऑफ।